हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो सीरीज चल रही है रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है 2019 के अंदर, सेट नंबर 49 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। गाइस, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। साउथ की गंगा पूछा गया है गाइस, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। अब अपन गोदावरी के बारे में बात करें तो यह इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो गाइस, इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर से होता है और त्र्यंबकेश्वर पड़ता है गाइस महाराष्ट्र में। ओके गाइस, अब गोदावरी है कहाँ कहाँ से फ्लो होती है। तो गाइस, गोदावरी कवर करती है महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को। और कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, वहाँ पे एक ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है वहाँ से। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करती है। और महानदी के ऊपर जो स्थित डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम, इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड डैम कहाँ पर स्थित है गाइज, महानदी के ऊपर स्थित है। और महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करती है। बात कर लेते गाइज कावेरी की। कावेरी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु को कवर करती है। किसको, कर्नाटक और तमिलनाडु को कवर करती है, कौन सी, कावेरी, ठीक है। और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट डैम है उस डैम का नाम है केआरएस। केआरएस का मतलब क्या होता है, कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम। बात कर लेते हैं कृष्णा के बारे में। कृष्णा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कवर करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कवर करती है। और इसका उद्गम की बात करें, कृष्णा नदी का उद्गम की बात करें तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर इसका उद्गम स्थल है। और महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ता है गाइस, ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कृष्णा नदी के ऊपर जो डैम है उनका नाम है गाइस, एक तो है तुंगभद्रा डैम, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम कहाँ पे स्थित है गाइस, कृष्णा नदी पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से कवर की गई है जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोदावरी इन स्टेट्स को कवर करती है, हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर स्थित है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करता है, और जो कावेरी नदी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। और इसके ऊपर रहते कृष्णा राजा सागर डैम है, और जो कृष्णा नदी है इसके ऊपर जो स्थित डैम है उसका नाम है नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा गाइज। मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है। मिट्टी को और पानी को अपने मिला दिया तो अपने पास में एक क्या मिल गया, अपने पास में एक सॉल्यूशन आ गया, विलयन। किसका है, मिट्टी का और पानी का एक सॉल्यूशन आ गया जिसको अपन कड़ा होने दिया जाता है, जिसको अपन टाइट होने देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है गाइज, साप अधिप्लवनी विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन। अब ये जो विलयन है पीएच पेपर को पीला नारंगी कर देता है। अब ये जो गाइस विलयन आ गया, इस विलयन के अंदर यदि अपन पीएच पेपर लेके आए तो उस पीएच पेपर का कलर है वो पीला नारंगी हो जाता है, समझिएगा। मिट्टी और पानी का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अपन एक पीएच पेपर लेते लेके आते हैं, पेपर होता है जिसको अपन पीएच पेपर कहते हैं, उसका कलर गाइस पीला नारंगी हो जाता है। किस तरीके का हो जाता है, पीला नारंगी। निम्न में से कौन सा इस पीएच पेपर के रंग को हरा नीला कर देगा, क्वेश्चन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब देखिए गाइज, पीएच स्केल की बात करें तो गाइज पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। अब ये होता है 7 होता है, 7 में बिल्कुल उदासीन होता है, ये आपको पता है। और 14 होता है, इसको अपन बोलते थे ये हो गया स्ट्रॉन्ग क्षार और ये हो गया वीक अम्ल, ये चीज़ आपको पता है। और वीक अम्ल होता है यहाँ पर अपन कह देते लाल, ठीक है, और इसको कह देते अपन हरा, नीला, नीला। अब देखिए गाइज, पहले कह रहे हैं कि पीला नारंगी है, यानी वो क्या है, पीला नारंगी है, यानी वो इस साइड में, और पीला नारंगी है इसका मतलब वो गाइज अम्ल है, ठीक है। अब इसका कलर मेरे को हरा नीला करना है, नीला करना है यानी मेरे को इस कंडीशन में लाना है इसको, इसको मतलब मेरे को इसको क्षार बनाना है। सिंपल सी बात है, अम्ल को क्षार में कन्वर्ट करना है मेरे को। अम्ल में क्षार में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा गाइज, मेरे को चाहिएगा एंटा एसिड। यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटा एसिड, यानी जो एसिड का अपोजिट हो, एंटी एसिड, उस अम्ल रोधी। देखिएगा साधारण नमक बिल्कुल उदासीन होता है, सिरका एसिड होता है अपने को पता है, नींबू का रस है वो एसिड होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। एंटा एसिड, एंटा एसिड होता है यानी जो एसिड का एंटी है, यह क्षार होता है। इसके अंदर अपन गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट काम में ले सकते हैं। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी बात है, पीला नारंगी जो अम्ल का रिप्रेजेंटेशन है
उसको हरा नीला यानी क्षार में बदलने के लिए मेरे को एंटा एसिड चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार स्टेटमेंट है गाइज, चार में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए गाइज, पहला कहता है कि ग्रेफाइट है वो ब्लैक और सॉफ्ट है, यानी उसका कलर है काला और मुलायम है। दूसरा कह रहा है कि ग्रेफाइट है वो कार्बन से बना हुआ होता है। अपने को पता है कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट काला और सॉफ्ट होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कहता है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक नहीं होता। और अपने को पता है कि ग्रेफाइट ही कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का चालन करता है, तो ये नॉट कंडक्ट की वजह से ही अपना स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ये जो अपने इसको जलाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। देख लीजिएगा डी और सी। तीसरा कहता है ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा कथन अपना सही नहीं है क्योंकि ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है और ये कह रहा है कि विद्युत का चालन नहीं करता। ग्रेफाइट को जलाएंगे, कार्बन का अपरूप है, तो जलाने से अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ग्रेफाइट है वो कार्बन का बना हुआ होता है क्योंकि कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट ब्लैक एंड सॉफ्ट है, तो यहाँ पे सब स्टेटमेंट सही थे और ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। कार्बन के तीन प्रूफ है गाइज, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ग्रेफाइट ही ओनली विद्युत का चालक होता है। यह कह रहा है कि एक ऑप्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की कुल क्षमता, लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का क्या होता है। देखिए गाइज, कोई भी ऑप्टिकल उपकरण मान लेता हूँ, उसमें कई लेंस लगे हुए हैं। मान लीजिएगा चार लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि दो लेंस लगे हुए हैं। लेंस आपको पता है कि एक तो उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। कॉम्बिनेशन किसी का भी बन सकता है, सब अवतल टाइप के भी हो सकते हैं, सब उत्तल टाइप के भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं। अब अपने को कह रहा है कि जैसे कि सपोज कीजिएगा, मैंने तीन लेंस लगा दिए, एक दो और तीन। एक इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है और इसकी पावर P3 है, ठीक है। एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता, कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का क्या होता है। इनको मैं ऐड कर दूं, इनको गाइज मैंने एक कंबाइंड, ये ऑप्टिकल लेंस है जिसमें तीन लेंस लगे हुए, तीनों की पावर P1 P2 P3 है, तो जो इक्विलेंट पावर होगी वो किसके बराबर होगी, वो इक्विलेंट पावर होगी हमेशा एल्जेब्रिक सम। तो इनकी जो गाइज पावर होगी इक्विवेलेंट हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि अपन जानते हैं कि इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो हो जाती है 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ये गज फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। और अपने को पता है कि P=1/F होता है, जहाँ पे P पावर को रिप्रेजेंट करती है, F फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। पावर का योग करना है तो गज इस तरीके से अपन सम करेंगे, और इनकी फोकल लेंथ का सम करना है तो अपन इस तरीके से इनकी फोकल लेंथ का सम करेंगे, ठीक है गज। पावर हमेशा डायप्टर के अंदर लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए पावर है उसकी यूनिट है डायप्टर। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजगणितीय योग। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते गाइज। मीना रीना से 15 साल बड़ी है। देखिए गाइज, ये होगी मीना और ये रीना हो गई। ओके गाइज, रीना की आयु में आर मान लूँ तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी, आर प्लस 15। मीना रीना से 15 साल बड़ी है, रीना की मैंने आर मान ली तो मीना होगी आर प्लस 15, क्योंकि 15 साल बड़ी है। 15 साल पहले यानी दोनों की 15 घटा दूँ, इसमें से 15 घटाऊंगा तो आर बचेगी और इसमें से 15 घटाऊंगा तो आर माइनस 15। 15 साल पहले मीना की आयु रीना की आयु से तीन गुना थी, यानी इसकी आयु की तीन गुना थी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं किया मैंने, ओनली क्वेश्चन से इक्वेशन बना ली। तो आर बराबर हो जाएगा 3R - 45, तो ये हो जाएगा 3R - R = 45, 2R = 45 और आर की वैल्यू हो जाएगी 45/2 यानी 22.5। रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, रीना की वर्तमान आयु कितनी है आर, और आर की वैल्यू गाइज मेरे पास आ गई 22.5। तो आर की वैल्यू पूछिए तो 22.5 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मीना की पूछिए तो मीना की कितनी हो जाएगी, 22.5 में मैं 15 और जोड़ दूंगा तो मेरे पास में मीना की आ जाएगी, लेकिन पूछा गया रीना की तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया गया इसमें, ओनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा है, ठीक है गाइज, शुद्ध दूध ले लिया, जैसे कि सपोज 8 लीटर की बात हो रही है, तो मैं 8 को ले लेता हूँ, जैसे कि 8 का मैं 80 ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं 80 लीटर
ले लेता हूँ। गाइस इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने 80 लीटर स्टार्टिंग में ले लिया, मैंने एजम्पशन लिया गाइस 80 लीटर माना है क्योंकि 8 की वजह से मैंने 80 ले लिया। 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद दूध को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है। फर्स्ट केस में से ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। इसमें से गाइस मैं क्या करूँ, 8 लीटर बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा बेहतर और आठ हो जाएगा। और रेशियो कितना बनेगा, मिल्क अनुपात वाटर, क्योंकि 8 लीटर बाहर निकलूँ तो ये रेशियो बन जाएगा बेहतर और आठ, मिल्क बचेगा बेहतर लीटर और इसमें मैंने 8 लीटर पानी डाल दिया तो पानी हो गया 8, इनका रेशियो बन गया 9:1 बन गया। अब एक बार फिर 8 लीटर मिश्रित दूध को निकाल दिया जाता है। दूसरे केस के अंदर गाइस ये जो रेशियो था 9:1 था, अब इस 8 लीटर में इसमें से वापस से दूध निकालूँ तो किस रेशियो में निकलेगा, देखिए 8 को मैं इस रेशियो में बांटूँ तो ये हो जाएगा गाइस 9 × 10, यानी 9/10 × 8, तो ये तो आएगा मिल्क का, और 1/10 × 8 ये निकलेगा वाटर। तो इनको सॉल्व करूँ मैं तो 9 × 8 = 90 यानी 7.2 और ये हो जाएगा 0.8। तो गाइस मैंने जब 8 लीटर इसमें से मिश्रण निकाला तो उसमें से दूध तो निकला 7.2, तो इसमें से मैं -7.2 करूँ और इसमें से पानी कितना निकला 0.8। तो गाइस पानी तो निकला 8 में से 0.8 घटाऊँ तो कितना बचेगा 7.2, और बेहतर में से मैं घटाऊँ 7.2, बेहतर में से 7.2 घटाऊँ तो कितना बचेगा, बेहतर में से मैं 7 घटा लेता हूँ तो बचेगी 85, और 85 में से मैं नहीं 65 बचेंगे, और 65 में से मैं 0.2 और घटाऊँ तो 64.8 बचेंगे। ठीक है गाइस, आगे क्या कहते हैं, मिश्रण निकाल कर 8 लीटर पानी डाल दिया। अब इसमें मैं 8 लीटर पानी डाल देता हूँ, ये हो गया 15.2 और ये हो गया मेरा 64.8। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 49 लीटर है। अब गाइस इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 49 लीटर है, 64.8 की वैल्यू है, 49 लीटर बता रहा है ये। तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी, तो मेरे को 80 की वैल्यू बतानी है, यानी 64.8 की वैल्यू 49 है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी 49/64.8 × 80, इसको मेरे को सॉल्व करना है गाइस। तो देख लेते हैं अपन, कुछ कैलकुलेशन बैठती है क्या, इसमें 8 का भाग इसमें गया 10 बार, 8 का गया 8×64 और 1 = 81, यानी इसको मैं अप्रोक्सीमेट 80 मानूँ तो ये हो गया कैंसिल हो जाएगा, और 490 में मैं 8 का भाग दूँ, 490 में अप्रोक्सीमेट 8 का भाग दूँ तो 8 × 6 = 48, 10 × 1 = 10, यानी लगभग 64। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो गाइस अपना आंसर आ जाएगा 64 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो गाइस इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा वाइंड इंस्ट्रूमेंट है सुशीर वाद्य है, तो आपको यहाँ पे बताना है वाइंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यानी जो एज हवा के रूप में बजने वाला। देखिएगा आप देखो कि सरोद हो गया, एक तार हो गया, संतूर हो गया, ये सभी तार के टाइप से है। जिस तरीके से आप ये होता है वीणा बजाते उस टाइप के होते हैं तीनों के तीनों, जिसमें तार भी होता है, तबला टाइप से होता है, बाकी एक बांसुरी है, ये विंड से चलने वाला है या हवा से बजने वाला है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बाकी में आप देखोगे तार का प्लस जो वीणा होती है उस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है इनके सभी के अंदर, संतूर, एक तारा और स्रोत, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, ओरियन स्पेन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला कल्पनात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल कौन सा है। देखिए गाइज स्पेस के अंदर एक होटल की बात हो रही है, लग्जरी स्पेस होटल। अब ये होटल कौन बना रहा है गाइज, ये बना रही है ओरियन स्पेन। ओरियन स्पेन क्या है गाइज, एक कंपनी का नाम है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और कहाँ पे बना रही है, पृथ्वी की निचली कक्षा में बना रही है, तो इसके बारे में अपने को बताना है। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, इज द कंसेप्चुअल लग्जरी स्पेस होटल इन द लो अर्थ ऑर्बिट बाई ओरियन स्पेन, इसके द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा है। देखिएगा नासा नहीं बना रही इसको, ये नहीं बना रही, एलन मस्क नहीं बना रही, इसको बना रही है अरोरा स्पेस स्टेशन। अरोरा स्पेस स्टेशन बना रहा है, ये एक काई क्या है गाइज, ये एक टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है। देखिएगाइज अरोरा स्पेस स्टेशन है जिसको आप लग्जरी होटल भी कह सकते हो, इसको कौन बना रहा है गाइज, ओरियन स्पेन बना रहा है। ओरियन स्पेन ये कंपनी का नाम है। ओरियन स्पेन की बात करें तो गाइज इसके जो फाउंडर एंड सीईओ है उसके नाम है फ्रैंक F.R.N. के फ्रैंक बर्गर
बर्गर है, और इसका जो गाइज हेडक्वार्टर है ओरिन स्पेन, इसका है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है, ठीक है। और ये गाइज ये जो होटल है इसका, ये कब इसको अनाउंस किया गया, इसको अनाउंस किया गया 5 मार्च 2018 के अंदर, ठीक है। और इसको अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा एक स्पेशल यान से, जिसके अंदर ओनली 6 कैंडिडेट जा सकते हैं, जिसमें से 2 तो क्रू मेंबर होंगे, 4 होंगे टूरिस्ट। बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं गाइज। 79 क्या कहते हैं, इनमें से किस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे एन्सेफलो आ जाता है, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम या ग्राफी बोल दीजिएगा, एन्सेफलो, ठीक है। इसके अंदर मस्तिष्क ब्रेन के सिग्नल लिए जाते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियो इसमें क्या होता है गाइज, हार्ट के सिग्नल लिए जाते हैं, ठीक है। ये फ्लो एनालाइजर के रूप में होता है, डायलाइजर या डायलिसिस आप बोले तो किडनी काम करना बंद कर देती है, तो कृत्रिम तरीके से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से किडनी में जो भी उपस्थित पानी वगैरह उनका फिल्ट्रेशन करने के लिए डायलिसिस किया जाता है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? देखिए गाइस, आयनिक यौगिक वो होते हैं जो टूटने में आयन के रूप में होते हैं, जिनके जो मेटलिक कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ डोनेशन के कारण, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर एक जो मेटल है एलिमेंट है, जैसे कि दिए गए ऑप्शन में से आपको इसमें मेटल दिखने को मिल रहे हैं, एन ए सोडियम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इसका विघटन होगा तो आपको एन ए प्लस और सी एल माइनस होगा, ये है पॉजिटिव आयन बन जाता है, ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ये पॉजिटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देता है, और नेगेटिव इसलिए बन जाता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि आयनिक यौगिक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें अपने को बताना कि गिवन सीरीज में रॉन्ग क्या चीज़ है? तो देख लेते हैं गाइज, इनका डिफरेंस देखते हैं गाइज, एक का डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 16 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 26 का आ गया, 26 का 11 में से 7 के 4, 24 का बन रहेगा, 11 में से 7 के 4 और 5 में से 3 के 2, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का बन रहा है गाइज, 8 में से 1 के 7 और 9 में से 6 के 3। अब देखिए गाइज, अपने को कैसे पता चलेगा, अब आप इसमें देखिएगा गाइज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये टर्म्स 5 का स्क्वायर, ये टर्म्स 6 का स्क्वायर बन रही है क्या? इसको मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो यानी 25 का डिफरेंस करूँ, इनमें 25 का डिफरेंस करूँ तो ये टर्म्स 61 की जगह बनेगी, मेरी 62 बन जाएगी, 62 बन जाएगी, और 62 बनेगी ना, 62 बनेगी, और 62 में मैं करूँ फिर 36 का डिफरेंस, तो 62 और 36 98 आ रहा है, यानी जो 61 नहीं आके इसकी जगह आएगा 62। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके अंदर जो भी डिफरेंस है वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, 82 क्या कहता है कि उस लोकसभा अध्यक्ष और 10 बार के लोकसभा एमपी का नाम बताइएगा जिनका निधन 2018 में हुआ था। तो उनका नाम है गाइस ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ चटर्जी। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और 10 बार के लोकसभा एमपी, यानी 10 बार ये एमपी रह चुके हैं लोकसभा के, और इनका निधन 2018 में हुआ, उनका नाम है सोमनाथ चटर्जी। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और कहाँ से बिलोंग करते थे गाइज, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्लीट करना इस सीरीज को, देखते हैं यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, तो नेक्स्ट आने वाला 11 का होगा, और 26 और 11 हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, एक व्यक्ति ने 25 के बिल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने 25 के बिल का भुगतान किया गाइज, एक व्यक्ति है उसने क्या क्या आइटम खरीदा पता नहीं, और उसने जो नेट भुगतान है वो 25 रुपये का किया। आगे कह रहा है कि जिसमें से कर योग्य वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री करके रूप में 30% शामिल थे। अब गाइज उसने जैसे कि सपोज कीजिएगा कुछ आइटम खरीदे, मेरे को पता नहीं क्या क्या खरीदे, उसमें से कुछ आइटम ऐसे थे जिन पर 6% टैक्स लग रहा था, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लीजिएगा उस कैंडिडेट ने 2 आइटम खरीदे, ठीक है, एक आइटम था टैक्स फ्री और एक पे जो टैक्स लग रहा था वो था 6%, ठीक है। ये कह रहा है जिसमें से कर योग्य वस्तु पर 6% की दर से बिक्री करके रूप में 30% शामिल थे। अब इसने जो आइटम खरीदा जिस पर टैक्स लग रहा था उस पर टैक्स के रूप में उसने 30% दिए, ठीक है। 2 आइटम खरीदे उसने, एक आइटम पे कुछ टैक्स नहीं लग रहा था,
दूसरे आइटम पे टैक्स लग रहा था 6% के रेट से लग रहा था गाइज, और उसने जो टैक्स के रूप में जो रुपए दिए थे वो दिए 30 पैसे। कर वस्तुओं का मूल्य कितना था आपको बताना है कि जिन पे टैक्स फ्री लगी, कर मुक्त यानी इन वस्तुओं का मूल्य बताना है जिन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था उनका मूल्य बताना है अपने को, ठीक है गाइज। अब सपोज कीजिए गाइज टोटल इसने 25 रुपये दिए, इसमें से मैं कह दूँ कि ये जो टैक्स है, टैक्स वाली राशि है गाइज, वो टैक्स वाली राशि है अक्स, यानी अक्स है उन पर टैक्स लग रहा है। तो गाइज देखिएगा अक्स है, इस पर उसने टैक्स दिया, कितना दिया उसने दिया 6%। तो इसका गाइज मैं 6% करूँ, 6/100 करूँ तो कितना कितना पैसे आ रहा है गाइज, वो आ रहा है 30 पैसे, 30 पैसे, ठीक है। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, पैसे को मैं रुपए में बदलूँ तो मैं 100 कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 की जगह ये आ गया 5 बार, तो अक्स की वैल्यू आ गई 5 रुपये। गाइज क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा ये जो राशि है इसको मैंने अक्स मानी, यह टैक्स वाली राशि है जिस पर टैक्स दे रहा है 6%, और ये मेरे को निकालनी है जो टैक्स फ्री है कितनी राशि है। अब गाइज मैंने यहाँ पे अक्स मानी थी, अक्स पे वो 6% की रेट से टैक्स दे रहा है, यानी जो ओनली टैक्स दिया है गाइज वो है 30 पैसे। तो ये हो गया 30 पैसे को मैंने 100 बदल दिया, परसेंट का 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, यानी 5। अब गाइज देखिएगा ये जो अक्स की वैल्यू है, अक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5 रुपये, और उसने इसके ऊपर टैक्स दे दिया था 30 पैसे। अक्स तो ओनली टैक्स वाली राशि है और उस पर उसने 30 पैसे वो और दे दिए थे, 30 पैसे क्या और दे दिए थे टैक्स के रूप में। तो टोटल उसने 5.3 रुपये तो टैक्स वाली राशि पे दे दिए थे, टोटल थे 25 रुपये, 25 में से आप 5.30 घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा टैक्स फ्री राशि। तो 25 माइनस 5.30 घटाओगे तो 25 में से 5 के 20, 20 में से 0.30 और गए तो 19.70 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बस आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें आपको बताना है कि डिफरेंट क्या है। देखिएगा यहाँ पे इसका बेस आ रहा है, इसकी बिल्कुल यहाँ पे ये बेस आ रहा है, यहाँ पे देखोगे इसका बेस आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो इसका बेस ना आके ये टॉप आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, इसको इसकी मारते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इसमें क्या है देखिएगा, 3, 4, 5 कंटिन्यू आ रहा है, 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर कंटिन्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कर दो, ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन है क्या 4 अपने पास में, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है गाइज, पता चल गया आपको, ओनली 3 स्क्वायर किया गया, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 2 का स्क्वायर करूँगा 4। क्वेश्चन नंबर 88, कार्बन यौगिकों की प्रकृति की वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिएगा आपको बताना है, कार्बन कंपाउंड्स है उच्च नहीं निम्न होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश टर्म देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, उच्च नहीं है गाइज लो है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द नेचर, ठीक है, उच्च नहीं होते हैं, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा गाइज लो होता है, और इसके पीछे का रीजन है वो है कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध। इसके पीछे का रीजन आंसर क्या होगा गाइज, देखिए अगर जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन के जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड इतने वीक होते हैं कि थोड़ी सी थर्मल एनर्जी भी अपन दे, थोड़ा सा भी गर्माश दे इनको, ठीक है, थर्मल एनर्जी, तो क्या कि इनके बॉन्ड टूट जाते हैं। तो बिल्कुल वीक बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज ऑफ सहसंयोजी बंध के कारण, कोवलेंट बॉन्ड के कारण। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, ये कहता है कि पौधे के किस भाग से चाय प्राप्त होती है, तो चाय प्राप्त होती है पत्तों से। कौन सी संख्या संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी, देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 5 30 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लॉजिक भी लगा सकते हो, ये 5 गुणा है इसका, तो इसका आप क्या करोगे, 1 बढ़ा के गुणा किया था तो इसका 1 बढ़ा के गुणा करोगे, 56 30 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91,
इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा आंसर आता है तो मेरे पास इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा था, कुछ अलग ही आंसर आ रहा था, 10:30 के समथिंग आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहते हैं कि 20% के लाभ के साथ 10% छूट पर बेचने पर 7500 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन गाइज वो भी इंपॉर्टेंट था, 91 वो भी आपको देखना है गाइज, और 92 भी आपको देखना है। देखिए गाइज 20% लाभ के साथ में, गाइज 20% लाभ है, इसका मतलब 20/100 करूँ यानी 1/5 कर दूँ तो इसमें गाइज प्रॉफिट है, ये पूरा प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। क्रम मूल्य नीचे वाली राशि 5 और विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा 5 × 6, इस तरीके से मैंने लिख लिया। प्रॉफिट था 20% का मैंने 1/5 बना दिया, नीचे वाला हमेशा क्रम मूल्य होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, दोनों को मैंने ऐड किया 6 आ गया। अब गाइज बेचने पर 7500 का लाभ प्राप्त होने के लिए, गाइज यहाँ पर प्रॉफिट है 1 और ये कह रहा है कि प्रॉफिट है 7500, तो गाइज 1 की वैल्यू 7500 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो क्रम मूल्य आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 0, 0, 55, 25, 2, 7, 35, 2, 37 ये आ गया क्रम मूल्य। और यहाँ पे गाइज मैं 7500 से गुणा करूँगा तो विक्रम मूल्य आ जाएगा, 1 की वैल्यू है तो 6 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 0, 0, 56, 30, 7, 42, 47, 45 ये आ गया विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य मेरे पास में आ गए। आगे कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अंकित मूल्य का जी मैं अक्ष मान लेता हूँ, इसको 10% छूट पे बेच रहे हैं, 90/100 कर दिया मैंने। अगर किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य उस पर आप छूट पे बेच रहे हो तो आपके पास में विक्रम मूल्य आता है, तो अक्ष इंटू 90/100 यानी ये विक्रम मूल्य आएगा और विक्रम मूल्य दे रखा है मेरे को 45000। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, 9 का भाग इसमें चला गया 5 बार, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी गाइज 50000। तो उस वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य है वो है 50000, 50000 पे आप 10% की छूट दोगे तो आपके पास में आएगा 45000, 45000 में आप वस्तु को बेचोगे और उस वस्तु का क्रम मूल्य इतना, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 7500 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। इसमें से आपको बताना है कि असंगत को चुनना है, तो अभी जो आया था उसी तरीके का, इसका यहाँ पे बेस आ रहा है, यहाँ पे भी बेस आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से आना चाहिए था, ये भी इस तरीके से आ रहा है, तो ऑप्शन डी अपना असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। चाल होता है गई दूरी बटा समय, दूरी है इसकी 120 मीटर और समय ले रहा है 12 सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा 18/5 से 5 का भाग 2 बार, तो 36 kmph मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए तो अपन 5/18 से गुणा करते हैं, और kmph में आने के लिए अपन करते हैं 18/5 से गुणा। क्वेश्चन नंबर 95, सम एंट्स आर पैरट्स, हिंदी में देख लेते हैं। कुछ चींटियाँ तोते हैं, कुछ है तो मैंने इस तरीके से रख दिया, सभी सेब तोते हैं, तो ये सेब सभी है तो मैंने सेब का इस तरीके से बना दिया। कुछ तोते सेब है, देखिएगा तोते और सेब पोर्शन को मारा है, ये जो तोते का पोर्शन है ये सेब का पोर्शन है, पहला ऑप्शन सही है। कुछ सेब चींटियाँ, सेब यहाँ पे और चींटियाँ यहाँ पे, दोनों हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता तो हो जाता, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं हुआ, तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो आंसर हो जाएगा ये गलत, तो ऑप्शन एक, तो यहाँ पे ओनली 1 सेटिस्फाइड होता है, ऑप्शन बी ओनली 1 उपयुक्त है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पेनक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज अग्नाशय हो रहे थे उसके अंदर लैंगरहंस द्वीप होते हैं, आइलेट्स बोलते हैं द्वीप को अपन, लैंगरहंस द्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय के अंदर, और लैंगरहंस द्वीप के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा से ग्लूकोजन स्रावित होता है, बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है, और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते गाइज, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिएगा। ओम के नियम से V समानुपाती I होता है, V बराबर IR हो जाता है, और I बराबर हो जाता है V/R से, V की वैल्यू 6 दे रखी है, R की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 6/3 है, 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, 28,000 में खरीदी गई मशीन 30% की हानि पर बेची जाती है, विक्रम मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज ये आपको क्रम मूल्य दे दिया, 30% लॉस पे बेचा जा रहा है, विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 70/100, ठीक है, तो 7×8=56 और 7×2=14, 5×19=196, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते गाइज। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? NCMB की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। यानी जितने भी तट से लगती हुई बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उनको बचाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। मरीन का मतलब है जो तटीय क्षेत्र आता है, समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र है, उनसे संबंधित है और ये स्थित है जामनगर। और जामनगर कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, ये जो मरीन बीच है गल्फ के अंदर स्थित है, कच्छ वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है गुजरात के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, अंडर रूट 12 है, तो इसका आयतन कितना होगा? गाइज घन की बात करें, घन होता है 3D के अंदर होता है जिसकी चारों भुजें बराबर होती है, इस तरीके से होता है। और इसमें आपको विकर्ण दे रखा है, इसका विकर्ण होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में होता है। तो इसका विकर्ण हमेशा घन का विकर्ण दिया जाता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, विकर्ण की वैल्यू है। और गाइज घन है, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, तो मैं l² + l² + l² कर दूँ, ये हो गया विकर्ण। और विकर्ण की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 12, तो अंडर रूट 12 की वैल्यू होगी गाइज अंडर रूट में 3l², तो यानी स्क्वायर करूँगा तो 12 × 3l², 3 का भाग है इसमें 4 बार, तो l की वैल्यू आ गई 2। यानी इसकी भुजा आ गई मेरे पास में 2। और आयतन कितना होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2 × 2 × 2 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, तो ये था अपना सेशन सेट नंबर 49। वीडियो पसंद आए गाइज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।